बिदा सर्कस में का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन अभी भी किया गया है, जिसमें आपने देखा राजस्थान के पूर्व देवस्थान बाग मंत्री जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं, राजकुमार रीणवा, उसके अलावा मास्टर मोहनलाल मेघवाल जो की वर्तमान में मंत्री है, इसके अलावा रफीक मंडेले जो की चूरू से लोकसभा के प्रत्याशी है कांग्रेस के, उन सबके द्वारा यहाँ पर बिदा सर के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन बस स्टैंड पे किया गया है। और अब तमाम नेतागण यहाँ पर जनता को संबोधित करें, काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित है। बिदा सर का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन होने वाला है। मास्टर मोहनलाल मेघवाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए। राजकुमार रीणवा भी यहाँ पर मौजूद है बिदा सर में। और बिदा सर में कांग्रेस चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। पिता काटकर बिदा सर में कांग्रेस के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। बिदा सर का शिविर का दृश्य देखते हैं। सरकार में कैबिनेट मंत्री मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल साहब, हमारे चूरू से लोकसभा का लेना होगा, चूरू जिले में ऐसा हम आज कार्यालय उद्घाटन के दौरान संकल्प लें। कांग्रेस पार्टी छत्तीस समाज की पार्टी है, छत्तीस वर्ग को साथ लेकर चलती है। 6 तारीख को ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में मत देकर हमारे भाई रफीक जी मंडेलिया को विजय बना ले। जय बोने का रोजगार अब तो 5 साल में दिखते हैं, गलियों में मोबाइल लिए हुए मात्र बेरोजगार, ऐसा 5 साल का शासन मोदी सरकार का, जिसने केवल धर्म के नाम पर दो गोटियां से की है कि हमारे प्यारे राम लला को जो हमारा आराध्य देव है उन्हें बाहर टेंट में लाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी चुनावी रोटियां सेकने के लिए उस टेंट में लाकर बिठा दिया कि जिस टेंट की कोई हवा और पानी का भी उन्हें ध्यान नहीं। और जो नेस्त नाबूद करने का समय आया है, मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, हर युवा, हर बुजुर्ग, हर व्यक्ति, हर स्त्री और पुरुष निकल जाए आज तिरंगे को कफन बांधकर, निकले उस आजादी के रण बांकुरे बनकर कि पुनः हमें उस अभिव्यक्ति को लाना है, उस आजादी को लाना है जो संविधान के तहत हमें बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने दी थी। अब हमें उस ज्वाला को जगाइए और उस ज्वाला के तहत उस आग को लाइए जो आग हमारे आने वाले समय और हमारी आने वाली पीढ़ी की रोशनी बनेगी। इनके अंदर इनको वोट देके यहाँ से आप आगे निकालें, क्योंकि रफी भाई एक ऐसे आदमी है जिन्होंने कभी जातिवाद नहीं किया, कभी भेद किसी भी बात का भेदभाव नहीं किया, जिसने अभी अरुण भाई बता रहे थे 7 नंबर वार्ड माइनोरिटी का वार्ड है, वहाँ रफी भाई ने मेरे को वहाँ 6 महीने पहले कहा कि हमारे संघ का चेयरमैन संतोष बाबू इंदौरी होगा, इन्होंने भाई माइनोरिटी के वार्ड में ले जाकर और मेरे को कहा आप घर चले जाओ और आराम करो, आप रतन का चेयरमैन हो गए। इन्होंने बाद में माइनोरिटी वार्ड में मेरे को वहां से बहुत मोटो से वहां जिताया, इन्होंने चेयरमैन। लोकसभा का चुनाव है, इस चुनाव में देश की तकदीर लिखनी है, आपका भविष्य है आपके हाथों में। जो पार्टी 5 साल राज की है जिस पार्टी ने, उस पार्टी को आप देख चुके हैं, क्योंकि उसने जुमले दिखाए युवाओं को, हमको सबको ठगा है। किसान के लिए कभी ये सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे, कभी ये फौज के नाम पे, अब उल्लू अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। क्योंकि आपको सोचना है, समझना है और आने वाले समय में यहाँ से रफीक मंडेलिया जी को ज्यादा से ज्यादा वोट दे के आगे विजय बनाए, ताकि देश के ऊपर आप सबका स्वागत अभिनंदन। आने वाली 6 मई को चुनाव है, इसमें हमें कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी रफीक जी मंडेलिया को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताकर दिल्ली भेज रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि मंडेलिया जी को इससे दुगनी मतों से जीत आप लोगों को करवानी है, और ये काम
विधान सरकार कार्यकर्ता कर सकता है, ये हमें विश्वास है, बशर्ते कि वो आज से ही लग जाए, क्योंकि ये कार्यालय का उद्घाटन तो हुआ है आज, बड़ा शुभ मुहूर्त में हुआ है, और पूरा विश्वास है कि आप लोग रवीर जी को दिल्ली निश्चित तौर से भेजेंगे। सरपंच की सिरमौर बनकर बड़े दिल्ली में जो जड़ा याद होती है, नारी शक्ति जगह जो वास्तव में नारी शक्ति को स्वरूप है, और मैंने मन तो निर्दलीय जनता जिताओ, मेरे पर कोई बीजेपी को एहसान बनियो, मैं ही करियो बीजेपी पर एहसान, मैं तो निर्दलीय जीते रहो जनता जिताओ, मत तो 3 बजे राम सिंह जी आकर जोड़ी फैलाई के राजकुमार जी मेरी मदद करो, बलराम जाकर जी आ गो जाकर नेता है मेरे सामने, वो कर्शा देगा बात राय करा, अन्य कोई सीएम साहब जो किया भी राजकुमार जी ने ला सके, बोले एक बार मिल तो लो, गया बटे फिर पटा लिया जो ठीक है आज्ञा करके यार काम करो, ए भी थोड़ा दिन बाद में जीप उठे लगा वहां को बीजेपी में, बोले फिर भी आ जाओ वो तो टाइम आ जो टाइम आया फिर आशा तो वो टाइम आयो करो मैं भी आयो कर। मैं अपना बताऊं कि बीजेपी मैं तो एक प्रकार को देखो तो सेवा के हिसाब से राजनीति में आयो, मेरे कोई पार्टी पूर्ति की ज्यादा कोई बात को नहीं, मैं तो 15 वर्ष बाद में पासो मेरा घर लोग क्यों कांग्रेस में, नरेंद्र जी मोदी के आनंद मगन मिश्र के जयदेव प्रसाद इंदौनिया के आगे चुनाव में प्रभारी हुए अगर तो रतनगढ़ को खूब सेवागिरी पार्टी की, निर्दलीय जीतने के बाद में ज्वाइन हो जो कर सदो कोई बात को नहीं, मेरे कोई पार्टी पॉलिटिक्स को नहीं रही, मेरे 15 वर्ष के कार्यकाल में अगर कोई भी एक आदमी कह दे राजकुमार रीणा कोई धर्म की जाति की राजनीति कोई तरह की करी हुए कभी कोई भेदभाव करे 5 वर्ष को भी बच्चा आयो तो कभी मैंने पूछो कि तुम बीजेपी को एक कांग्रेस को है कभी भी उनके भी सेवा एकदम से, अरे आखिर उस कार प्रचारक बना रहे क्यों मैंने बीजेपी 15 दिन तक मैंने बंगाल भेजो क्योंकि बंगला जानो भी हो बंगाल में पढ़े रहा हो थारी होटल है 15 दिन तक बड़े 4% बीजेपी का वोट है जगह 17% कर रहे हो बात जो बिहार चुनाव में भेजो 3 जगह ये जिम्मेवारी दी तीनों MLA ने जिताया था बताओ, गुजरात चुनाव में भेजो राजस्थान के 31 जिला में भेजा तो नुगरा पर देखो मांगो है बात है बात बताओ अड़ेगा 3 रतनगढ़ का 3 खंड बताओ नगर पालिका ही तीनों नगर पालिका बीजेपी का वोट बनाया तीनों बार MP ने जितायो 5 उपचुनाव है 5 उपचुनाव जिताया देखिए रतनगढ़ में से मुख्यमंत्री की सभा हो चाहे कोई भी हो ऐतिहासिक सभा में कराई चूरू जिले की जगह की आ स्थिति है कर भ्रष्टाचार टिकट काट करे पहले दिन अरे कोई कार्यकर्ता देता कभी हो 20-50 वर्ष पार्टी की सेवा करिए तो भी मन में संतोष कर लेता तो पहले दिन तक मोदी ने बीजेपी ने गाया काटो कार टिकट भ्रष्टाचार कर मैंने कर लिया भाई टिकट ले अरे तो मैं देखा बोलते सरदार से लड़ो मैं वो फालतू बनी मेरे कोई जरूरी को नहीं सरदार से जानो मैं मेरे बैठा हूँ भाई 8 बजे मैं फिर वो मको आप तो क्यों आप लोग 4 चुनाव लड़ने को जीतने को ना रफीक भाई बोले आप के राजकुमार जी मम को मैं तो ये गायत्री अनुष्ठान करूँ बोलू तो बोले गायत्री अनुष्ठान चुनाव के बाद कर रहे पहले मेरी मदद करो क्या कठिन आप जगह कैबिनेट मंत्री है बाबूलाल जी मेरा बहुत पुराना मित्र है हमारे कभी कोई पार्टी पॉलिटिक्स बन गई कोई से ही बन गई मैं तो खूब एकदम से प्रेम रखे कह के राजकुमार मेरे साकार किया सारा ही को मन हो मैं थाने बताऊँ अभी दिन जब रफीक जी को नामांकन होगी दिन मैं प्रेम दे के लोगों को क्या वास्तव अगर प्रेम है तो कांग्रेस में संकुचितता को नहीं अरे क्रोधनेस है सब आपा सब भी की संतान आपा सब ने प्रेम से रहना चाहिए आ बात की पार्टी के मायने है तो मैं आज देखी करी मैं आपने बताऊँ 3 चुनाव जगह आदमी ने मैं जिताया वो आदमी आपको फार्म करियो तो मैंने टेलीफोन करने जो कोई बनी कसवा परिवार अरे नुग्रापणा की पराकाष्ठा का यारो अरे रफीक भाई जी और एक बार एक्सीडेंट हो 25 वर्ष पहले बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो आगे एक भाई को और एक बहन की डेथ होगी कर गई है तो बम्बई है मैंने रात ने 1 बजे बेरो पट्टो तो भाई जी यहाँ है तो मेरे तो आम में तो राजनीति में आयो को नहीं होने भी क्या पहले महीने में 25 दिन अस्पताल ही रह तो बताओ खटे को भी राजीव की मदद हो जी करो तो ये तो परिवार का बेरो पट्टो ना जो भी मेरे से जो करो भी बात को 25 वर्ष हो गया पर इतो एहसान माने का आज भी यहाँ के फार्म हाउस पर या बंगले पर कोई जावे और मेरी चर्चा हुए ने
क्या राजू भाई जी बोले यार ये आदमी को जिंदगी में ऐसा अनुभव बोले आज के मानवता ये आदमी के इंसानियत ही में क्या 25 वर्ष की बात भी आज तक याद है तो वो आदमी मेरी मदद करी और बागा तीन तीन चुनाव लड़ा है देखो बागो राम निकल के कर जो पाने दिख जो करी लोग पाखरी वाले हो ज्यादा वोट की राशि ले ली ज्यादा वोट लेने के बाद कोई बात थोड़ी यार वो दोनों तरफ ब्लैकमेल करने की चेष्टा करे देखो यार देखो राजनीति का मायने कोई सेवा करना है राम कमाने की चेष्टा करना है और वो दुर्भाग्य यही आगलो रहे हो कि वो सरकार को न्याय बनी वो जो भी यही रह गया करिए આપણે નિયમો એ કે ઘણા કોઈ ટાબર હોય ને થોડો થોડી હોય તો આપણે ઠાળી બજાવવા ટાબર વંશ વૃદ્ધિ હોઈએ કુળ વૃદ્ધિ હોય આપણો અને પછે કે સાહેબે કે જોઈ બને ભ્રષ્ટાચાર કે પાર્ટીમાં જોઈને કે ટિકિટ લઈ જતા કવાડ બંધ કરી લીધા તબ ઓર કોઈ બીજેપી માં નહીં જાય એ ઓછું મારી આગલી ટિકિટ કાઢે કહો તમારો ડૂબ્યા વંશ કબીર કા જાયા પૂત કમાલ સમજ ગયા કરી ગયા ને કબીર જી કે દો આ એક તો કમાલી રે કમાલ હો તો બહુ ઈ ઢંગ થી શાબદાર રહ્યો કર્યો તું તો બોલ રહે કે આગલી દિવ્ય વિભૂતિ આ ચુનાવ કે માયને આવી હે અરે એસો કોઈ ભેદ લગ રહ્યો હે પેલો ચુનાવ 12000 વોટ માં હાર ગયા 18 સે માત્ર માને કોઈ એક વાર મેં પૂછ્યો અને હું કેસ હલા હે કોઈ 15-20 હજાર જીત રહ્યા અગર જરા સો ભી વેરો હોય કરે ને કે 1800 વોટ રહી જશે કર જશે તો મેં તને બોલો 18000 વોટ હો રાજા તા કર જતા કોઈ પ્રોબ્લેમ ગોની કોઈ ઉપર લે કે આઈ ચાહી અબ આપ લોગો સે નિવેદન હે કે મેરો ભી વિદા કરના કે સભી લગા પ્રેમ હે ये वास्ते निवेदन है कि यह समझिया कि हमारी हृदय से अपील है कि थारोगा के तो सतपति सब वोट दिवायो दिलाओ ही थे बाकी चेष्टा इतनी करो कि 6 तारीख ने हाथ के निशान के ऊपर में भाई रफीक जी ने ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवा सको कि सब लोग अपने लिए कोई एक बहुत बड़ो समझ लो कर लो एक प्रकार को चैलेंज है कि चैलेंज आपने स्वीकार कर लो है मैं भी आया और मेरा पूरा प्रयास है जटालो बीजेपी से जुड़े रहे हैं बाबो 3-4 दिन से पूरा प्रयास करूंगा जितना ज्यादा जा सकूं और मेरे पूरा विश्वास है कि मैक्सिमम लोगों ने मैं कांग्रेस से जोड़ूंगा आप लोग इसको सम्मान करो सम्माननीय मंत्री महोदय को निवेदन हो आदेश हो कि भाई ठीक है कि मैं आनु करना है तो मैं भी छापर के मैंने जाकर आयो बटे भी आ चढ़ाई कर रहे हैं वो भी खोलांगा तो ज्यादा से ज्यादा चेष्टा कर कर क्योंकि एमपी को चुनाव है बहुत लंबो चौड़ो क्षेत्र है आप लोग सब रफीक मंडेलिया बन जाओ अगर जो होगा तो अपन चुनाव हरा बन सके तो कोई कंपटीशन है मैंने बादरा का लोग भी मिले शादुलपुर का लोग मिले नोर का लोग मिले मैं लोग बोलिया बोले भाई जी रतनगढ़ को कंपटीशन करो मुखिया के थारो आगे रखांगा शादुलपुर ने आगे रखांगा नोर नर बादरा ने आगे रखांगा तो मैं को भी मैं चेष्टा करांगा कि कोई भी तरह से रतनगढ़ में आगे रखांगा और आप लोग चेष्टा करोगा कि सुजानगढ़ टॉप में रहे क्योंकि सुजानगढ़ ही बार आप लोग तो सिरमौर है कैबिनेट मंत्री है राजस्थान का मालिक है तो आप लोग प्रयास होना चाहिए तो आपको भी सम्मान बढ़े हमारो भी सम्मान बढ़े हुई निवेदन है बोलो तो भी जब पर्चे फाइनल हो जाते हैं उसके दूसरे दिन से चुनाव प्रचार चालू करता हूं आज कम से कम 18 गांव थे 2 बीच में वोट ले लिए 20 गांव के अंदर हम लोग गए वहां जाने के बाद गांव में जाने के बाद पहली दफा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कांग्रेस के साथ जिन लोगों ने मुझे भी वोट नहीं दिया सारे लोग कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं और मैंने भी दिल खोल करके कह दिया बीती सो विसार दे आगे की सुध ले कांग्रेस में थे कांग्रेस में अब हो तो सब लोगों का मान और सम्मान होगा ये मैंने गांव में कह करके आया और मुझे पूरा भरोसा है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता जिस प्रकार से हमारे आज 45 डिग्री टेम्परेचर था और आप सोचो सुबह हमने घर से 8 बजे रवाना हुए 12 घंटे के अंदर हमने 20 गांव निकाले और इस 45 डिग्री के टेम्परेचर के ऊपर 500-700-1000 आदमी मैं तो खुद दंग रह गया मैं सपने में सोच भी नहीं सकता था कि जिस प्रकार से किस प्रकार से लोग उभर रहे हैं
भाई मंडेलिया जी खुद इस बात का देखा होगा आपने, इन्होंने मेरे कहा कि यार मुझे तो पता ही नहीं इतना जबरदस्त माहौल गांव के अंदर है, इसलिए मैं सुविधा सके लोगों से कहना चाहूंगा आपने मुझे बहुत शानदार साथ दिया, आपकी हवा पूरे विधानसभा क्षेत्र में गई, विधानसभा क्षेत्र का बीदासर कलेजा है, इसकी हवा सालासर और कातर तक पहुंचती है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा बीदासर के नौजवानों से, बीदासर के कांग्रेस के जाबांग सिपाहियों से और बीदासर के हमारे नेताओं से कि सब मिल जाओ, चिंता मत करो और सब मिलकर के कांग्रेस को जिताओ, ये मेरी आप सब लोगों से अपील है। राजस्थान में राज कांग्रेस का है, 4 महीने का समय बीता है, इस 4 महीने के समय में मुझे काम करने का मौका मात्र 10 दिन मिला है, 2 महीने के अंदर पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने राजस्थान में अलग अलग जगह भेजा, कहीं जो शक्ति की ट्रेनिंग थी 10 दिन एक बार उदयपुर भेज दिया, 10 दिन ट्रेनिंग एक बार जयपुर हो गया, और ऐसी स्थिति में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग क्योंकि 4 महीने में काम हम कर नहीं पाए, 4 महीने के अंदर 2 महीने आचार संहिता के लग रहे, 2 महीने पहले चले गए, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि बीदासर की जनता जो मेरे कलेजे में बसी हुई है आपका हर काम करने की कोशिश करूंगा। 15-20 दिन के समय के बाद राजस्थान के अंदर जो आचार संहिता समाप्त होगी आपके बीच में आऊंगा, आपके बीच में बैठ कर सारी बात करूंगा और बीदासर की जो जो समस्याएं हैं, किसी भी विभाग की समस्या है और सारी समस्याओं का समाधान पूरा करने की समाधान पूरा करने का काम आपके साथ बैठ के करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। चूरू के अंदर तो मेरे मुंह से निकल गया राजू भाई, तो लोगों ने इतनी तालियां बजाई, मैंने कहा भाई राजू भाई, अब माननीय हमारे पूर्व मंत्री राजकुमार जी रेणुआ, मैंने कहा राजू भाई के नाम से समझे या नहीं समझे, राजकुमार जी रेणुआ आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी और पीसीसी के चीफ इनको पट्टा ओढ़ा करके कांग्रेस ज्वाइन कराएंगे, लेकिन ये कांग्रेस पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, मैं इनका पहले ही हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, तो इसे बहुत तालियां। आज छापर के लोगों ने मुझे कहा, पूछा मंत्री जी हम राजकुमार जी का स्वागत करना चाहते हैं, मैंने कहा बिल्कुल कीजिए, उन्होंने कहा आप भी आओ, मैंने कहा मेरा गाँव का दौरा है बीच में छोड़ के नहीं आ सकता, इसलिए मैंने राजकुमार जी को कहा भाई राजकुमार जी आप एक काम करो 8 बजे बीदासर के कांग्रेस कार्यालय में आप आओ, वहां पे बीदासर की जनता और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे बुलाया है कि आपका मैं स्वागत करूँ कांग्रेस में, आपका अभिनंदन करूँ, यहाँ का मैं विधायक हुई लेकिन राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पायलट साहब के बाद में नंबर 2 के ऊपर वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, और मैंने ये बात कही भाई राजकुमार जी कांग्रेस में आ जाओ, चिंता मत करो, हमारी बात तो मामूली सी फोन पे हुई, मैं मिला भी नहीं था इनसे, लेकिन इन्होंने जब निर्दलीय चुनाव लड़ लिया, मैंने कहा अब कांग्रेस के अलावा और मेरे अलावा और हमारी जनता के अलावा आपके पास कोई वापस जाने का तरीका नहीं है, अब तो मामला दूसरा हो गया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा आपका मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दे। जयपुर के अंदर मैं माननीय मुख्यमंत्री और पायलट साहब से व्यक्ति से चुनाव के बाद मिलाऊंगा, और मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका क्षेत्र रतनगढ़ मत रखना, आप हमारे सुजानगढ़ के अंदर भी, क्योंकि आजकल थोड़ा मामला अलग टाइप का है, जातिवाद बहुत चल रहा है, अब सुजानगढ़ विधानसभा के अंदर करीब करीब 20-22 हजार वोट ब्राह्मण समाज के हैं, उन अकेले के अंदर 10 हजार वोट खंडेलवाल समाज के हैं, बाकी में सब और खंडेलवाल अकेले अलग। तो कल शाम को आप भी वहां सुजानगढ़ पधारना,
हमारी स्वेता जी राठी ने वहां पे दो तीन बूथों का कार्यक्रम किया है और वो बूथ का कार्यक्रम उन्होंने यहाँ कर दिया जहां पर आपका ही सारा का सारा बोलने वाले रिश्ता है। तो बूथ के कार्यक्रम तो हो ही जाएंगे, हमारा काम भी थोड़ा बन जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप कल वहां कितने बजे है मुझे पता नहीं, 8 बजे 7:30 बजे मेरा पूरा भरोसा है। और मैं कहना चाह रहा हूं मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुराव नहीं रहेगा, सब मिलकर के वापस कांग्रेस में आकर के और कांग्रेस के वोट दो दो। मेरे मन में सीताराम तुम्हें मेरे से खिलाफ वाले ने कभी मन में ऐसा नहीं रखा, मैं साफ कहने वाला आदमी हूं, इतनी साफ कोई कहता नहीं है, मैं ओपन जो है ना ओपन कहने वाला आदमी हूं। मैंने कभी आपका बुरा नहीं किया, मैंने कभी आपके खिलाफ काम नहीं किया, लेकिन आपके मेरे आपने मेरे साथ आए, ये नेम जी बैठे हमेशा आपके दुकान में मैं चाय पीने के लिए हमेशा रुकता था। मैंने कहा नेम जी आपको मैं पटाके छोड़ूंगा, सीताराम आपको भी आपके पिताजी की माता जी का स्वर्गवास हुआ था, मैंने कहा देख सीताराम चुनाव आएगा तेरे को भी पटाके के मैं छोड़ूंगा। मैं मेरे सभी साथियों से कहना चाहता हूँ बीदासर में 23,000 के आसपास वोट है, जितने वोट पड़े अब जितने वोट पड़े तो आप समझ लो कि मेघराज जी जब आपके बीच में बैठे तो वो वोट तो आपके आ ही गए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कांग्रेस के वोट थे और वो कांग्रेस को मिले। एक बात अब आपको जब 4.75 में 3.5 और मिले तो हो गए 7.5, वो तो ऑटोमेटिक ही हो गए, अरे भाई तो आप कैसे काम चलेगा। अब आप कहो कि जितने वोट पड़ेंगे उसमें मुश्किल से थोड़े से वोट भारतीय जनता पार्टी को, बाकी सब कांग्रेस, अब बाकी थोड़ी रह गया, अब रामपाल जी पांड्या क्या बाकी रह गया। अब बीदासर के अंदर मास्टर मोहनलाल हम सब मिलकर के इतना हो गया, अब मेघराज जी आ गए, अब बाकी रहेगी क्या बजाओ थोड़ी एक बात। अब है दूसरी बात, ये तो हमारे नेताओं के बारे में मैंने कहा है, 2 मिनट दूसरी बात और कहूंगा। देखिए पूरे देश के अंदर जब मैं चुनाव लड़ रहा था गंगानगर तो मोदी जी कह रहे अच्छे दिन, तो लोग कहते आएंगे, अब मैं कहता हूं अच्छे दिन मोदी जी तुम्हारे अच्छे दिन गए, काम करेंगे 6 तारीख को भाई रफीक मंडेलिया को ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके, ज्यादा से ज्यादा 8,000 की बात तो इधर से निकल रही थी, बाकी अब आप सोच लेना। आज राजकुमार जी नैनवा मास्टर भवनलाल जी मेघवाल सर और अपना मेघराज जी सागला सर और तमाम जितना कार्यकर्ता नेता है ये सब कृष्ण भगवान पर नाली पाई रो माई रो 6 महीने सगला भरसा बोली भरसा कोई वाला भरसा कोई भरसा छठी बार विधानसभा चुनाव में मास्टर जी 40,000 वोट जीते हैं। मैं चाहता हूं कि मास्टर जी के नेतृत्व में यहां जो सुधानगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट पड़ेंगे सारे मास्टर भवनलाल जी के नाम लिखे जाएंगे और इनका भी पावर जाएगा। और चूरू जिले में चूरू जिले की कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा वोट हमारे एक कैबिनेट मंत्री हैं, इनका रुतबा बढ़ेगा। और राजस्थान में हमारे अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नाम होगा और पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी की जय जयकार होगी। बातें तो हमारे मंत्री जी ने आज सब आपको बताई थी, मंत्री जी सुबह 8 बजे लेकर लिख गया कि 1 मिनट सांस लेने दियो कोई नहीं और लियो होगा। आज बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम रहा सुजानगढ़ विधानसभा के देहात का, इतनी धूप थी 45 डिग्री फिर भी एक भी मीटिंग ऐसी नहीं हुई कि जो पंडाल भरा हुआ नहीं था। सुजानगढ़ में आज एहसास हुआ कि नहर कांग्रेस की चल गई है और मंत्री जी का जलवा चल रहा है।
जब हम 4 गाड़ियां लेके निकले और कारवां 100 गाड़ियों का बन गया और मंत्री जी ने बड़े अच्छे से आम समाज के लोगों को समझाया और लोग समझे भी। मुझे अफसोस हुआ कि 25 साल जनता ने इतना सम्मान जिस आदमी को दिया और उस आदमी ने 25 साल में चुरू लोकसभा क्षेत्र के वासियों के लिए एक भी इतना बड़ा काम नहीं किया जो आप लोग याद करेंगे। देखो ऐसा है मेघराज जी, काम वही करेगा जिसके तकदीर में लिखा है। ये कसवा परिवार के तकदीर में नहीं था कि चुरू लोकसभा क्षेत्र में ऐसे काम हो जो उनको याद किया जाए। ये तकदीर में लिखा है इस मंडेरिया के, पर वो ये काम करेगा। हमारे सरदार सर की लाइन में आज 20 साल से उसकी मांग उठ रही है, लेकिन कसवा परिवार से सरदार सर के आगे एक टुकड़ा भी नहीं जुड़ा उस लाइन का। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम काम करेंगे और विकास करके दिखाएंगे। और मैंने हर गांव में कहा है कि एक बार मौका तो देके देख लीजिए। सबका मल्यार्पण का स्वागत। तो निर्मला का विदास्तर में सम्मान किया जा रहा है। विदासर में आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें पूर्व मंत्री जो कि भाजपा के नेता थे राजकुमार रेणुआ यहाँ पर पहुँचे। इसके अलावा मास्टर मोहनलाल मेघवाल ने यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से इस क्षेत्र में संतोष मेघवाल का दबदबा रहा था, वो सारे कार्यकर्ता आज मैंने देखा कि यहाँ पर नजर आए और मास्टर मोहनलाल मेघवाल ने उन सबका स्वागत भी किया। इस समय विदासर के कांग्रेस के अध्यक्ष जेठाराम सरण हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। जेठाराम जी, कितना प्रयास किया गया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो संतोष मेघवाल के खेमे के जो लोग थे वो सारे यहाँ पर मौजूद थे। मास्टर जी, उनका स्वागत भी किया। ये देखिए साहब, सभी कांग्रेस के ही थे और ये हमारे वापस घर में आ गए, इसमें ये कोई नई बात नहीं है। आदमी सुबह का बुला शाम का घर आ जाए तो वो घर ही है। और हम सब मिल करके यहाँ से विदासर से बहुत भारी मतों से रफीक जी को आगे निकालेंगे। संतोष मेघवाल क्यों नहीं आए? संतोष मेघवाल कोई काम के बस नहीं आए होंगे, आ जाएंगे, सब साथ में है वो सब। नहीं, हकीकत बताएं क्या आ रही? नहीं, साथ में बिल्कुल साथ में। कांग्रेस की प्रधान है, हमारे कांग्रेस में रहेंगे। लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा अवसर था, कार्यालय का उद्घाटन था, फिर भी नजर नहीं आना। अभी बड़ी मीटिंग में आ जाएंगे और आगे मीटिंग होगी। चले देखते हैं। जेठाराम जी कह रहे हैं कि किसी काम से नहीं आई, लेकिन आज के कार्यक्रम में संतोष मेघवाल का उपस्थित नहीं होना निश्चित रूप से कुछ प्रश्न जरूर खड़ा करता है। हालांकि संतोष मेघवाल के जो समर्थक थे वो काफी संख्या में मौजूद थे, पूरे साथ में पूरी हमारी विधानसभा के संतोष जी के साथ में थे। वो सभी हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता थे, आज दिन हमारे साथ पूरे जोर से हैं। संतोष मेघवाल का पा रही है, अब जो आम सभा होगी हमारी उसमें होंगे। चले देखते हैं जेठाराम जी की बात कहाँ तक सच होती है। गांव-गांव ढाणी-ढाणी आप देख रहे हैं, नेताओं के दौरे चल रहे हैं। इस समय सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का सबसे बड़ा पर्व लोकसभा चुनाव है और राजस्थान के चूरू जिले का दृश्य आप देख रहे हैं, एक छोटे से गांव लोहारे में, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी रफीक मंडेलिया यहां पर वोटों का निवेदन करने के लिए पहुंचे हैं। गांव में उत्सव का माहौल नज़र आ रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं ढोल बज रहे हैं, नेताओं का लोग स्वागत सम्मान कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मई जून में सबसे ज़्यादा गर्मी राजस्थान में रहती है और ऐसे में चुनाव का वक्त है, लेकिन इस मौसम की गर्मी पर राजनीति की गर्मी हावी नज़र आ रही है। नेता लोग गांव-गांव ढाणी ढाणी जा रहे हैं और वहां पर नेताओं का स्वागत सम्मान भी किया जा रहा है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पहुँच भी रहे हैं और अभी यहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है जिसका नज़र हम आपको दिखाने वाले हैं। छोटे छोटे गाँव के दृश्य आपको दिखा रहे हैं, लोहारा गाँव का दृश्य है ये। गाँव में आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के उत्सव का माहौल है, नेताओं का स्वागत गाजे बाजे से ग्रामीण वासी कर रहे हैं। छोटे छोटे गांव में नेता लोग पहुंच रहे हैं वोटों की विनती करने के लिए। लोहारा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, सुजानगढ़ तहसील के, जहां पर चूरू लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कांग्रेस के रफीक मंडेलिया का काफिला यहां पर पहुंचा है। नेता लोग पहुंच चुके हैं, सभी नेता लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर। रफी
पश्चिम मलेरिया लोहारा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं जो कि सुजानगढ़ तहसील में है, चूरू लोकसभा क्षेत्र में है, जहां पर अभी कांग्रेस के प्रत्याशी रफीक मंडेलिया और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री मात्र मोहनलाल मेघवाल पहुंचे हैं। और इधर आप देखेंगे, सुनने के लिए आप देख सकते हैं यहां पर काफी बड़ी संख्या में ग्रामीण वासी पहुंच रहे हैं। इस समय मैं आपको बता दूं कि अप्रैल का लास्ट वीक चल रहा है और काफी गर्मी है, लेकिन गर्मी के बावजूद भी लोगों को उत्साह देखते ही है, क्योंकि लोगों में हमारे लोकतंत्र के प्रति काफी श्रद्धा है और लोग नेताओं का सम्मान कर रहे हैं और उनकी बात को सुन रहे हैं। वोट देना और किसको देना ये अपना निजी मामला होता है, क्योंकि मताधिकार जो है वो गुप्त होता है, लेकिन लोग हर नेता की बात सुने, सबका सम्मान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं रफीक मंडेलिया का यहाँ पर साफा पहना कर सम्मान किया जा रहा है और पांव छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। राजस्थान के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर मोहनलाल मेघवाल का साफा पहना कर सम्मान किया जा रहा है लोहारा गाँव में। सामान्य मंत्री महोदय रे चाय कॉफी को आनंद ले ले, क्योंकि गांव के माने मैं तो गुणू बोलूं को का गांव लुवारा है और मैं ही गांव को रहने वालों होने के नाते ज्यादा पार्टी की ओर हूं, भाषण देनू कौन सा हूं ए सगला मारा काका बाबा और भाई भतीजा आ लोगों निवेदन है आने वाली 6 तारीख को जके हिसाब हूं आप विधायक के चुनाव में सामान्य मंत्री महोदय ने वोट देल विजयी बनाया भी कोई सूरत में कम नहीं लेना चाहिए, बिना ज्यादा रहना चाहिए वोट, बिना ज्यादा वोट बिना संतो बात को है स्वाद नहीं देना। रफीक जी आ सोची कि दूसरे गांव में तो लोग ने समझाने दे तो फिर के भाई जाति पर है धर्म पर है समाज पर है मत चले जाइ और शायद हो सके विद्याधर के गाँव में इनके परिवार का समाज के लोग वोट को दिया उला जला एक कम पड़ गया। इस वास्ते मैं ज्यादा लंबी बात न कर आज सगला समझदार हो मैं आप लोग कहनी चाहूँ कि मंत्री महोदय ने जता वोट दिया बिना ज्यादा वोट लोकसभा चुनाव में पढ़ना चाहिए वो बड़ो चुनाव है और यूं ज्यादा मैं लंबी बात नहीं करना चाहूँ। अब लोकसभा चूरू के कांग्रेस के उम्मीदवार भाई रफीक जी मंडेलिया, देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के मेरे सम्माननीय अध्यक्ष भाई विद्याधर बेनीवाल, पंचायत समिति सुजानगढ़ के प्रधान भाई गणेश डाका, उप प्रधान दीवान सिंह जी, विद्यासर पंचायत समिति उप प्रधान भाई महेंद्र जी लेगा, हमारे चुनाव के इंचार्ज और संयोजक राधे श्याम जी अग्रवाल, सम्मान्य डॉक्टर गणपति कालेर साहब, ठाकुर बलबीर सिंह जी सारोठिया, राम सिंह जी बाटी, सम्मान्य भाई अमर सिंह जी गोंदू सर, सम्मान्य कन्हैया लाल जी शर्मा पूरे सरपंच लोड सर, सब 19। इस देश का एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव के अंदर फैसला होना है कि देश के अंदर ऐसी ताकतों को वोट देना है जो देश के संविधान को बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे ताकतों को वोट देना है जो इस देश के अंदर भाई भतीजावाद की बात करते हैं, ऐसी ताकतों को वोट देना है जिन्होंने देश के अंदर नोटबंदी की बात की, जिन्होंने जीएसटी लगा करके उद्योग धंधे चौपट किए, इस देश के अंदर अपने बड़े बड़े 50 औद्योगिक घराने हैं, उन औद्योगिक घरानों के अंदर उनके रुपए लोन के रुपए माफ किए और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने 4 महीने पहले यहां से चुनाव लड़ा, मैंने चुनाव यहां से लड़ा। लोहारा गांव वो गांव है जिसमें मुझे शायद 75% से ऊपर वोट मुझे मिले हैं और मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आपके बीच में आपके पास आ गया था, लेकिन मैं आज आपके पास बहुत महत्वपूर्ण बात के लिए आपके बीच में आया हूं। सुबह से अब तक हमने 14-15 गांव निकाल दिए, 3 गांव और हैं, फिर आपको 8 बजे विधानसभा का कार्यक्रम है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि 4 महीने पहले हमारी कांग्रेस की सरकार ने जो इस प्रदेश के अंदर हमारे राहुल गांधी ने, हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी ने और पायलट साहब ने जो
आपके सामने कुछ वादे किए थे, कुछ घोषणाएं की थी, उस घोषणाओं के अंदर में कहना चाहता हूं, हमने काम करने की चेष्टा की है। प्रॉपर्टी सेक्टर का सारा 100% ऋण, जिसे फसली ऋण कहते हैं, उनको हमने माफ किया है। हमारे खिलाफ वाले लोग कहते हैं ऋण तो माफ किया ही नहीं। मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान में 18,000 करोड़ रुपए का ऋण सोसाइटी के जरिए जो सेंट्रल बैंक को पैसा देती है वो हमने माफ किया है। आने वाले समय के अंदर हम भूमि विकास बैंक के अंदर जो फसली ऋण लिया है उसको हम माफ करेंगे। और आने वाले समय के अंदर मुख्यमंत्री जी का यह सोच है, वो ये कह रहे हैं कि हमारी कमेटी को मैं ये काम रेफर करूंगा, कमेटी जैसा बताएगी वैसा 2 लाख तक का दूसरी बैंकों का ऋण भी माफ करने की हम बात करेंगे। ये बहुत बड़े काम है। हमने वादा किया था आप लोगों के सामने, 6.5 साल पहले मैंने पानी की योजना बनाई, पानी बूंद नहीं आया। अब पानी मैंने चालू किया तो 1 महीने की नहरबंदी आ गई। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अब 1 मई से फिर नहरबंदी का काम जब बंद हो जाएगा तो आपके गांव में फिर पानी चालू हो जाएगा। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं, आपके गांव के अंदर जब मैंने योजना बनाई उस समय यह नहीं था कि हम आपके गांव में आंगा के आधार पर, मिनखा के आधार पर, पशुओं के आधार पर हम आपसे पैसा लेंगे। अब आपके यहां मीटर लगेगा बाहर, एक शायद लग गया होगा, नहीं तो एक बनाया होगा, कोठड़ी बनाई होगी, और कोठड़ी बना दी तो उसमें मीटर लगेगा, और मीटर लग करके उसमें पानी जो आएगा उसका गांव के आदमी परिवार में 5 घर है, 5 व्यक्ति है, कितनी गाय है, कितनी भैंस है, उनके आधार पर जैसे पहले पी उगाते थे वैसे काम होने का आदेश दिया है। मैं कहना चाहूंगा राजस्थान की सरकार के मुखिया माननीय अशोक जी गहलोत को हमने कहा, मैंने कहा साहब हमारे सुजानगढ़ के अंदर आपकी, जब मैंने ये बात कही कि हमारे गांव में मुख्यमंत्री जी मीटर लगाकर हमारे से तो पैसा उगाएगी, गांव में समिति बना दी, अध्यक्ष बना दिया, मेंबर बना दिए, तो बोले क्या होगा। मैंने कहा हमारी 6 विधानसभा क्षेत्र है चूरू जिले की, नोर भादरा अलग है, उसमें तो हमें तो मीटर से पैसा देना पड़ेगा। गांव के अंदर बरसों पहले जब लाव और चढ़ से हम कुएं से पानी निकालते थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने अपने अफसरों को बुलाया। और मैं कहना चाहता हूं राजस्थान की सरकार ने राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे वो पहले पैसा मीटर लगा हुआ किसी के भी, चाहे आगे किसी के भी लगे, हमारी सरकार ने पूरा का पूरा पानी फ्री कर दिया है। इतना बड़ा काम, अब न कोई पैसा उगाने की बात होगी, न समिति की बात होगी। शहरों के अंदर उन्होंने ये कहा है कि 15,000 लीटर तक तो है फ्री, उसके बाद ज्यादा पानी लेओगे तो फिर लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। 15,000 लीटर बहुत होता है, 1 5 लीटर की जो होती है आपकी जो खेल उसमें 10 लीटर पानी आता है, शाम तक मान लीजिए 10 केन आप ले जाते हो तो 100 लीटर तो हुआ। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में हमने बहुत बड़ा काम किया है, ऋण का काम किया, पानी का काम किया। और उन्होंने एक फैसला और किया है कि राजस्थान में जितने स्कूलें बंद हैं और बंद स्कूलों में 30 बच्चे मिल जाएंगे तो हम स्कूलों को दोबारा खोल देंगे, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। उन्होंने ये भी कहा है कि राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार जो बनी और अब हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी तो 100 दिन की जगह 150 दिन रोजगार का काम होगा। पर मैं कहना चाह रहा हूं आपको, यहां पे कौन सरपंच है, सोनिया सरपंच है शायद, सोनिया नायक, 4 साल के पीरियड में, 4.5 साल 5 साल के पीरियड में 50 आदमी काम नहीं कर रहे थे। और आज की तारीख के अंदर मैं कहना चाहूंगा हमारे सुजानगढ़ और बिदासर पंचायत में 30,000 मजदूर काम कर रहे हैं। बंद थी नरेगा, 700 लेबर लग रही है, ऐसी स्थिति में 700 लेबर लगे मायने रखता है। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा,
कि लोहारा गांव के लोग बहुत होशियार हो। यहाँ पर मैंने सारे काम करने की चेष्टा की है। आपके हॉस्पिटल की बात हुई है, हॉस्पिटल मैंने खुला है 5 साल पहले। 5 साल में हमारे विधायक जी ने, हमारे कस्बा जी ने आपके हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई क्या? नहीं बनाई। पशु भी नहीं, और ये मैंने, चलो मैंने खोल दिया, मैंने अन्याय तो नहीं किया, मैंने खोला ही है भाई। और आज बिल्डिंग नहीं बनने की वजह से आज यहाँ पे डॉक्टर नहीं रह सकता, नर्स कंपाउंडर नहीं रह सकते। तो मैं आपको विश्वास देना चाह रहा हूँ, ये सब काम मैं और विद्याधर मिलकर के भाई रफेक मंडेलिया को जिता दो। मैं और विद्याधर, हमारे सब साथी मिलकर के आपके सब काम मैं करूंगा, हमारे साथी करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और आपसे कहना चाहता हूं, ये मेरी घोषणा है कि तहसील और एसडीओ कोर्ट, ये बोल रहा हूं मैं इसके ऊपर, तहसील और एसडीओ कोर्ट वापस लाऊंगा पंचायत समिति। इतना बड़ा काम मैं कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं, पैसा कहां से आएगा? वो पैसा भी मैं लाऊंगा। वो जो बिल्डिंग जो है वो पड़ी है हमारी, जो जिसमें तहसील, वहां पे ऐसे दफ्तर लगा दूंगा जहां को आपकी जरूरत ही नहीं होगी, वहां गांव के कार्यकर्ताओं को जाने की जरूरत नहीं होगी, उन दफ्तरों को लगा दूंगा, सीबीओ दफ्तर खोल दूंगा, हमारे दूसरे दफ्तर और है पीडब्ल्यूडी का वो खोल देंगे, हमारे दूसरे दफ्तर और लाऊंगा वो खोल दूंगा। लेकिन जनता से जुड़ा हुआ जो काम है तहसील और एसडीओ कोर्ट का, 100 रुपए जाते 100 रुपए आते लगाऊंगा। ये काम किसने किया? मैंने तो नहीं किया ना। इन ऐसा काम करने वालों को क्या आप बोर दोगे? अब नहीं दोगे तो मेरे को आपने जिताया है। 4.5 साल राज कांग्रेस का आपने बनाया है, 5 साल अभी 4 महीने गए हैं। मैं चुनाव लड़ूंगा तो 5 साल बाद आऊंगा चुनाव लड़ने के लिए। 5 साल तो आपको मेरे से ही काम लेना है, और मेरे से काम लेना है तो जितने वोटों से मैं जीता हूं सब वोट जोड़ करके उतने वोट से जिता देना। विद्याधर समझ लो कि समझ लो, जितने वोटों से मुझे जिताया है सब वोटों से जोड़ करके उतने वोटों से रफीक मंडेलिया को जिता देना। आपका सब काम मैं और हमारे साथी करेंगे। मंडेलिया परिवार एक अलग टाइप का कर परिवार है, यह हमेशा दिल खोल करके पैसा लगाने वाला परिवार है, हमेशा काम करने वाला परिवार है, कभी माला नहीं पहनता, कभी रिश्वत नहीं खाता, ये मेरी तरह ही एकदम साधु प्रवृत्ति का आदमी है। लेकिन मैं तो साधु प्रवृत्ति का हूं, लेकिन पैसे वाला नहीं हूं। ये आदमी पैसे वाला भी है, थोड़ा थोड़ा पैसा रखता है, ज्यादा तो नहीं है। अब की बार ये मोदी ने साफ कर दिया है, अब की बार आपको भी साफ कर दिया मोदी जी ने, लेकिन कोई बात नहीं, चुनाव तो लड़ेंगे, इसलिए आप चिंता मत करो, आपके सब काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम राम साहब। सरकार तो आपके पास है, सरकार की बातें मंत्री जी ने आपको बता दी। मैं तो आपसे एक अपील करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं। आपने 25 साल 5 बार सांसद चुन के बड़े ही सम्मान के साथ कस्बा जी को भेजा, लेकिन उस सम्मान के बदले में चूरू लोकसभा क्षेत्र को क्या मिला ये सोचने की जरूरत है। हम तो आपसे अपील करना चाहते हैं, जैसा आपने 25 साल उनको सम्मान दिया, एक भी ऐसा बड़ा काम उन्होंने नहीं किया जो आमजन याद करे, हमारे युवा याद करे, या हमारे बुजुर्ग याद करे, या आने वाली जनरेशन याद करे। इतना ही कहूंगा कि आपने 25 साल उनको मौका दिया, एक बार हमें भी मौका देके देखे, ताकि पता चले आदमी काम करने वाला है कि नहीं, विकास करने वाला है कि नहीं। एक बात जरूर कहूंगा, जो 25 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और आप लोगों ने हमारा सम्मान किया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। जयपुर से आए हुए युवा सम्मान कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि ये लोग जयपुर से आए हैं जो यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं।